आज हम सीक्वेंसिंग में एन जॉब्स और थ्री मशीन पर दूसरा न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में भी हमने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, आपको समझाया था कि किस किस तरह से हम एन जॉब थ्री मशीन के न्यूमेरिकल को करते हैं। ये जो प्रॉब्लम हम लेकर चल रहे हैं ये भी वही है। इसमें भी देखिए तीन जॉब है आपकी, ए बी सी, सॉरी मशीन तीन है ए बी सी, और जॉब आपकी कितनी है, फाइव। क्लियर, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पूछा क्या है, देखिए, देयर आर फाइव जॉब्स ईच ऑफ विच इज टू बी प्रोसीड थ्रू थ्री मशीन। पांच जॉब हैं जो प्रोसीड हो रही हैं किससे, थ्रू थ्री मशीन। क्लियर है, ए बी एंड सी, इन ऑर्डर ए बी सी। मशीन कौन कौन सी हैं, ए बी और सी, और मशीन का ऑर्डर है ए बी सी, यानी पहले ए मशीन पर, फिर बी पर, फिर सी पर। क्लियर, प्रोसेसिंग टाइम इन हावर आर, यहां दे दिया आपका प्रोसेसिंग टाइम। देखिए तीन मशीनें हो गई ए बी सी और इसी ऑर्डर में है, ये ध्यान रखेंगे आप, उसी ऑर्डर में हम टेबल को बनाएंगे जो ऑर्डर हमें दे के रखेगा, जैसे पहले ए मशीन, फिर बी मशीन, फिर सी मशीन। तो हमने उसी ऑर्डर में टेबल बनी हुई है ए बी सी, और यहां आ गई आपकी जॉब। जॉब है देखिए 1 2 3 4 5, पांच की पांच जॉब का प्रोसेसिंग टाइम दिया है कि प्रत्येक जॉब किस मशीन पर कितना समय ले रही है, वो पूरा का पूरा टेबल के अंदर दिया हुआ है। अब देखिए क्या निकालना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फाइव जॉब्स एंड द मिनिमम इलेप्स टाइम। वही निकालना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है जिससे कि आपका इलेप्स टाइम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। क्लियर, ये तो हम निकालते हुए आ रहे हैं अब तक। आगे देखिए क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड आउट द आइडियल टाइम फॉर द थ्री मशीन। आइडियल टाइम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। एंड वेटिंग टाइम फॉर द जॉब, ये नया आया है, अब तक हमने वेटिंग टाइम का कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है। इसमें हमें वेटिंग टाइम और निकालना है कि वेटिंग टाइम फॉर दी जॉब, कि जॉब्स को कितने टाइम वेट करना पड़ा। क्लियर है, तो ये वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर जो इसमें पूछा है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी प्रॉब्लम एन जॉब थ्री मशीन की है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहले हम जो दो कंडीशन बताई थी उन्हें सेटिस्फाई करते हैं कि वे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं या दोनों में से एक सेटिस्फाई है। अगर नहीं है एक भी, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते। कंडीशन का क्या थी, देखिए जो आपकी पहली मशीन है यानी ए, इसका मिनिमम देखेंगे, मिनिमम ए, ए में मिनिमम नंबर क्या है, ए में मिनिमम नंबर है आपका थ्री। ठीक है, उसके बाद बी का मैक्सिमम देखेंगे, तो बी में क्या मैक्सिमम है, बी में मैक्सिमम है आपका फाइव। फिर सी का मिनिमम देखेंगे, तो सी में मिनिमम क्या है, सी में मिनिमम है आपका फाइव। तो कंडीशन आपकी ये थी कि मिनिमम ए जो है वो इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम बी से, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि मिनिमम सी जो है, मिनिमम सी आपका इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, मैक्सिमम बी से। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो मिनिमम ए कितना है थ्री, और ये मैक्सिमम बी कितना है फाइव, तो थ्री ना तो पांच के बराबर है ना पांच से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है नहीं, अगली कंडीशन देखते हैं, मिनिमम सी कितना है फाइव और मैक्सिमम बी कितना है फाइव, ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि पांच क्या है, पांच आपका पांच के बराबर है। ठीक है, बराबर हो तब भी चलेगा और ग्रेटर देन हो ये वाली संख्या तब भी चलेगी, तो दोनों में से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्लियर किया। पहला स्टेप करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें एम जॉब थ्री मशीन की प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है एम जॉब्स टू मशीन की। ठीक है, तो एम जॉब टू मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए इस तरह से करेंगे, यहां जॉब आ जाएंगी आपकी और यहां जी और एच आ जाएगा। ठीक, एक मशीन जी मान लेंगे, एक मशीन हम एच मान लेंगे, और जी क्या आएगा, जी आएगा आपका ए प्लस बी और एच आएगा आपका बी प्लस सी। तो ये टेबल बना लेते हैं पहले, तो देखिए कितनी जॉब है आपकी, आपकी जॉब है 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब देखिए, अब टेबल से टेबल बनाते चलेंगे। यहां देखिएगा, यहां जॉब वन के लिए ए प्लस बी कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 3 प्लस 4 यानी 7 आ जाएगा,
और बी प्लस सी कितना आएगा, 4 प्लस 7 यानी 11 आ जाएगा। अब आगे आ जाए आप जॉब नंबर टू के लिए, देखिए जॉब नंबर टू के लिए ए प्लस बी आएगा 8 और 5 13, और बी प्लस सी आएगा 5 और 9 14, ठीक है। अब जॉब नंबर थर्ड पे आ जाइए, थर्ड में देखिएगा, थर्ड में क्या है 7 प्लस 1, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 यानी यहाँ आ जाएगा 8 आपका, और यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 5 ये आ जाएगा आपका 6, क्लियर है। अब आगे देखिएगा, आगे आती है जॉब नंबर फोर, जॉब नंबर फोर में देखिए क्या आ रहा है आपका 5 प्लस 2 यानी 7, और 2 प्लस 6 कितना गया 8, क्लियर। अब जॉब नंबर फाइव देखिए, जॉब नंबर फाइव में कितना आएगा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, और 3 प्लस 10 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस टेबल को बना दिया, ठीक है। अब इस टेबल का क्या काम है, देखिए इस टेबल का केवल ये काम है कि ऑप्टिमल सीक्वेंस को बनाना, क्या है ऑप्टिमल सीक्वेंस को बनाना। इस टेबल से केवल हम सीक्वेंस बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्लियर है। आइडियल टाइम प्रोसीड जो टाइम जो निकलेगा वो सब आपका किससे निकलेगा, वो वैसे ही निकलेगा एम जॉब थ्री मशीन से, ठीक है। नहीं ये जो हमने टू मशीन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है, ये सिर्फ इसलिए यूज किया है जिससे कि हम ऑप्टिमल सीक्वेंस बना सकें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी इस टेबल का काम केवल ऑप्टिमल सीक्वेंस को बनाना है। अब देखिए ऑप्टिमल सीक्वेंस जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए मिनिमम टाइम कौन सा है इसके अंदर, ये है 6, ठीक। ये बाद वाली मशीन का है और जॉब नंबर 3 का है, तो 3 आपका इधर से लिखा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है, पहले लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको पता भी होगी। 6 के बाद मिनिमम टाइम क्या है, 6 के बाद मिनिमम टाइम है पूरे टेबल में 7, 7 एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब तीन जगह 7 है और तीनों एक ही मशीन में है, अब कैसे कैसे लिया जाए भाई ने? अब मैंने बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, फिर देखिए यहाँ 7 के साथ टाइम क्या है 11, यहाँ 7 के साथ टाइम क्या है 8, यहाँ 7 के साथ टाइम क्या है 13। अब 11, 8 और 13 में से मिनिमम क्या है 8 है जॉब नंबर 4 के लिए, इसके लिए तो सबसे पहले जॉब नंबर 4 को लेंगे। अब बच्चा 11 और 13, 11, 13 में से क्या मिनिमम है 11, ये किसका है जॉब नंबर 1 के लिए, तो 1 यहाँ आ जाएगा आपका। फिर 7 यहाँ था, फिर यहाँ 13 बचा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, अब केवल आपकी एक जॉब बची 2 और एक ही ब्लॉक बचा हुआ है, तो 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस बन गया, यहाँ पर सबसे पहले जॉब नंबर 4 को करेंगे, फिर 1 को, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर 3 को। अब इस टेबल का काम खत्म हो गया, इस टेबल का काम केवल ये था जो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टेबल पर, जो हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, देखिए ये जो है जो ये बनाते हैं, अब मेन हमारी ये है आइडियल टाइम टोटल इलेप्स टाइम वेटिंग टाइम सब इसी से निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहले जो जॉब है, सबसे पहले मैं इधर सीक्वेंस लिख लेता हूँ कि किस सीक्वेंस में मुझे जॉब को करना है। तो देखिए आपका जो सीक्वेंस आया है वो ये आया है 4 1 5 2 3, तो ये लिख लूंगा मैं यहाँ 4 1 5 2 3, क्लियर। अब बात आती है किसकी, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी से। सबसे पहले मशीन ए पर जाएगी जॉब, फिर मशीन बी पर, फिर मशीन सी पर। इनके अंदर मैंने दो दो कॉलम बनाए, इन आउट ठीक है, यानी किस समय मशीन पर इन हुआ, किस समय मशीन से आउट हुआ। अब देखिए इस टेबल को बनाते हैं, देखिए इधर देखिएगा आप, सबसे बनेगी इसी टेबल से, जो क्वेश्चन के अंदर टेबल दी थी प्रोसेसिंग टाइम की, इसी टेबल से अब इस टेबल को हम बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले जॉब नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक। जब हम जॉब नंबर 4 कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, देखिए जॉब नंबर 4 में देखिए कितना समय है, आपकी जो जॉब नंबर 4 है ये ले रही है ए मशीन पर 5 5 5 घंटे ले रही है, हावर में दिया है टाइम, ठीक है, तो 5 घंटे ले रही है। अब जब ये 5 घंटे ले रही है तो यहां पर काम कब स्टार्ट होगा, 0 आवर से, और 5 पर कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 घंटे लगेंगे, तो 0 to 5 आपका ये 4 का मशीन ए पर काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ये जब यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, यानी 5 घंटे बाद यहां पर मशीन बी पर आ जाएगी, यहां काम स्टार्ट हो जाएगा, और बी पर लगेंगे उसे 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब यहां काम कंप्लीट हो जाएगा तो मशीन सी पर काम शुरू हो जाएगा, और यहां पर कितना टाइम लगेगा, यहां पर लगेंगे उसे 6 घंटे,
यानी 7 और 6 कितना आ गया, 13। इस तरह से आपकी जॉब नंबर 4 पूरी हो गई। ठीक, अब बात आती है जॉब नंबर 1 की। जॉब नंबर 1 में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, यहाँ 4 घंटे, यहाँ 7 घंटे। तो यहाँ 3 घंटे लग रहे हैं आपके, तो यहाँ काम कब स्टार्ट होगा भाई, 0 से 5 तक तो यहाँ काम चला। तो मैंने बताया था जो पहली मशीन होती है वो पिछली जॉब का जो आउट टाइम होगा वो अगली जॉब का इन टाइम होगा, यानी ये 5 आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आंख बंद करके मैं इधर वाला समय इधर लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मशीन जो पहली मशीन होगी उसके केस में बता रहा हूँ मैं, जो भी मशीन का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में जो पहली मशीन होगी उसमें पिछली जॉब का जो आउट टाइम होगा वो अगली जॉब का इन टाइम होगा, ये ध्यान रखें आप। ठीक, तो यहाँ कितना समय लग रहा है, 3 घंटे, तो 5 में 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 8। ठीक, अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ क्या रखेंगे, अगली मशीन का इन क्या होगा, अगली मशीन का जो इन होगा भाई ये वाला जो पहला आउट था और ये जो अब आउट आया है, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 8। ठीक, यहाँ आपका 8 आ गया, और कितना समय लग रहा है, यहाँ लग रहे हैं 4 घंटे, तो 8 और 4 कितना आ गया, 12। ठीक, अब मशीन सी में आ गए, तो इसमें से और इसमें से देखेंगे कि इसमें और इसमें कौन सा टाइम बड़ा है, 13 घंटे वाला, तो 13 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितने समय लग रहे हैं, 7 घंटे, तो 13 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 20। इसी फंडे से टेबल को बनाते चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चन भी आपका जल्दी होगा। अब बात आती है जॉब नंबर 5 की। यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे, तो इसका आउट क्या होगा, इसका इन होगा कि लगेगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 8 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 12 ही आ जाएगा, हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, यहाँ कितना समय लग रहा है, 3 घंटे, तो 12 और 3 कितना आ गया, 15। ठीक, अब 15 और 20 इन दोनों में क्या मैक्सिमम है, 20। ठीक, और 20 में क्या ऐड करेंगे, 10, तो 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपकी जॉब नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब आती है जॉब नंबर 2। जॉब नंबर 2 में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे, तो ये 12 तो इधर आ जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 20। ठीक, अब 20 और 15 में क्या मैक्सिमम है, 20, तो 20 को यहाँ देंगे। अब यहाँ कितना समय लग रहा है, देखिए 5 घंटे बी पर, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक, अब 25 और 30 इन दोनों में क्या मैक्सिमम है, 30, तो 30 यहाँ आ जाएगा आपका, और इसमें कितना ऐड करेंगे, 9 घंटे, क्योंकि 9 घंटे में पूरा हुआ काम, यह आ गया आपका 39। अब लास्ट जॉब बची आपकी थर्ड। थर्ड में देखिए कितना समय लग रहा है, थर्ड में लग रहा है आपके 7 घंटे, यानी यहाँ काम स्टार्ट होगा 20 पर, और 7 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक, अब इसके बाद 27 और 25 इन दोनों में से क्या ग्रेटर देन है, 27, तो 27 यहाँ आ जाएगा। 27 में क्या ऐड होगा, 1, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक, अब 28 और 39 इन दोनों में मैक्सिमम है आपका 39, और 39 में क्या ऐड करेंगे, 5, तो ये आ जाएगा आपका 44। क्लियर है, तो ये आ गया आपका टोटल इलेप्स टाइम। टोटल इलेप्स टाइम जो सबसे बाद में आता है, मैंने बताया था, ये आ गया 44 आवर, यानी पूरी सभी जॉब को शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट करने में आपका जो समय लग रहा है वो है 44 आवर, यानी यहां लिखेंगे टोटल इलेप्स टाइम इज इक्वल टू 44 आवर। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका यहाँ आ गया। अब टोटल इलेप्स टाइम के बाद उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आइडियल टाइम, किसका, मशीन ए का, मशीन बी का और मशीन सी का। तो देखिए आइडियल टाइम किसके लिए निकालना है, आइडियल टाइम हमें ए के लिए निकालना है, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए। ठीक है, आइडियल टाइम निकालने का मैंने आपको बताया था क्या करना है, कि जो इलेप्स टाइम है उस इलेप्स टाइम में से क्या माइनस कर देंगे, उन मशीनों का जो प्रोसेसिंग टाइम का टोटल होगा वो माइनस कर देंगे। प्रोसेसिंग टाइम का टोटल देखिए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, देखिएगा यहाँ से निकलेगा, ये जो टेबल दी है आपकी, यहाँ से देखिए 3 और 8 कितने हो गए, 11, 11 और 7 कितने हो गए, 18, 18 और 5 23, और 4 27। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा, यानी 44 में से क्या माइनस करेंगे, 27, 44 में से 27 माइनस होगा तो यह आ जाएगा 17 आवर। तो ये मशीन का आइडियल टाइम आ गया, यानी 17 घंटे मशीनें आपकी खाली रही, जो 44 घंटे काम हुआ उस 44 घंटे में केवल मशीनें 27 घंटे चलेगी और 17 घंटे खाली रहेगी, इसका मतलब यह है। अब बी की बात करते हैं, बी का प्रोसेसिंग टाइम ऐड कर लेते हैं यहाँ, 4 और 5 9 और 1 10 और 2 12 और 3 15, कितना आ गया,
15 आ गया। तो 44 में से क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे। 44 में से 15 माइनस होगा तो यह आ जाएगा आपका 29 आवर, यानी जो आपकी मशीन भी है वो 44 घंटे में से केवल 15 घंटे काम करेगी और 29 घंटे खाली रहेगी। क्लियर है। अब आते हैं सी पर। सी पर देखिए आपका 7 और 9 16 और 5 21 और 6 27 और 10 31, यानी 31 घंटे काम कर रही है। ये कितने घंटे काम कर रही है, 31 घंटे। क्लियर है। तो इसमें देखिए क्या आएगा आपका सी के लिए, एक मिनट दोबारा ऐड कर लेते हैं, 7 और 9 16 और 5 21 और 6 27 और 10 37, 37 आएगा टोटल। ये सी का जो प्रोसेसिंग टाइम आएगा वो 37 आएगा, 37। तो 47 में से 37 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 हावर। ठीक है। अब आपने ये सब चीजें निकाल ली कि आपकी जो मशीन ए है उसका आइडियल टाइम कितना है, मशीन बी का आइडियल टाइम कितना है और मशीन सी का आइडियल टाइम कितना है। ठीक है। आपको पता चल गया कि ए का कितना है, 17 आवर, बी का है 29 आवर और सी का है 7 आवर। ठीक है। अब इसके बाद जो आपसे पूछा था वो पूछा था वेटिंग टाइम। क्या पूछा था, वेटिंग टाइम। अब देखिए वेटिंग टाइम कैसे निकलता है। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, वेटिंग टाइम का मतलब यह है कि जैसे जॉब नंबर 4 है, जॉब नंबर 4 जब ए से कंप्लीट हुई और ए से कहां गई, बी पर, तो ए से बी तक जाने में उसे कितने घंटे का वेट करना पड़ा या कितने समय का वेट करना पड़ा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, मशीन ए से 5 घंटे बाद आउट हो गई थी और यहां क्या है, ये 5 पे आउट हुई, 5 पर ही इन हुई, यानी यहां इसे कोई भी वेट नहीं करना पड़ा। जॉब नंबर 1 यहां देखिए, ए से जब बी पर गई तो 8 पे कंप्लीट हो गई, 8 पर ही यहां गई, तो यहां भी कोई वेट नहीं करना पड़ा। यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यानी यहां भी कोई वेट नहीं करना पड़ा। यहां 20, यहां 20, यहां भी कोई वेट नहीं करना पड़ा। यहां 27, यहां 27, यहां भी कोई वेट नहीं करना पड़ा। यानी जितनी भी जॉब है वो मशीन ए से जब मशीन बी पर गई तो उन्हें कोई भी वेटिंग टाइम नहीं मिला, वो जैसे ही कंप्लीट हुई वो मशीन बी पर ट्रांसफर हो गई, यानी बीच में आपने किसी भी जॉब को कितने भी समय के लिए नहीं रोका। ठीक है। यानी ए से बी तक जाने में आपको जो वेटिंग टाइम है सभी जॉब्स का 0 है। अब बात करते हैं देखिए बी से सी में, जब आपका जो जॉब है वो मशीन बी से सी पर गई, क्योंकि पहले ए से बी पर जाएगी फिर बी से सी पर जाएगी, तो देखिए जॉब नंबर 4 जो है आपकी, यहां पर देखिएगा ये 7 घंटे बाद फिनिश हो गया काम और यहां 7 घंटे में ही काम स्टार्ट हो गया, यानी 7 पे खत्म हुआ, 7 पे मशीन सी पर स्टार्ट हो गया, यानी यहां भी कोई आपको वेट नहीं करना पड़ा। ठीक। अब जॉब नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए जॉब नंबर 1 ये जो बी पर काम कर रही थी तो ये 12 घंटे में काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहां 13 घंटे बाद काम शुरू हुआ, यानी बीच में 1 घंटे का गैप हो गया, यानी आपकी जो जॉब है उसे यहां से यहां तक जाने में 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो यहां वेटिंग टाइम कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक। अब आगे देखते हैं आगे भी वेटिंग टाइम है या नहीं है। अब यहां जाइए जॉब नंबर 5 पर। जॉब नंबर 5 में जो मशीन भी है वो 15 घंटे बाद कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहां कितने में कंप्लीट शुरू हुआ, 20 घंटे बाद, यानी यहां से यहां तक आने में उसे 5 घंटे का वेट करना पड़ा। जब 5 घंटे का वेट करना पड़ा तो वेटिंग टाइम कितना हो गया, यहां पर प्लस का 5 और आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां 25 है, यहां 30 है, यानी जॉब नंबर 2 को भी कितना समय लगा, जॉब नंबर 2 को भी बी से सी तक आने में 5 घंटे का समय लगा, यानी 5 घंटे उसे वेट करना पड़ा, तो 5 घंटे आपका यहां जाएगा। ठीक है नहीं। उसके बाद देखिए यहां 28 है, यहां 39 है, यहां से यहां तक आने में जॉब नंबर 3 को कितना समय लगा, 11 घंटे। ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपने वेटिंग टाइम निकाल लिया कि जॉब्स को कितने घंटे आपको रखना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा आपका 22 हावर। तो इस तरह से हम वेटिंग टाइम को भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, देखिए वेटिंग टाइम से क्या होता है, जितना भी वेटिंग टाइम बढ़ेगा उतनी ही आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी। इन्वेंट्री का मतलब जैसे कि आपका यहाँ प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया मशीन बी पर, उसे मशीन सी पर जाना है और 5 घंटे वेट करना पड़ रहा है, यानी उसे आपको 5 घंटे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। सेफ्टी पर्पज से भी ध्यान रखते हुए उसे रखना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप वेटिंग टाइम आप जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी सामान के रखरखाव में खर्च होना। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए आपने इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया, आपने टोटल इलेप्स टाइम भी निकाल दिया, आपने ये सीक्वेंस भी निकाल दिया,
आपने जो है आइडियल टाइम भी निकाल दिया तीनों मशीनों का और आपने वेटिंग टाइम भी निकाल दिया। तो इस तरह से देखिए हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा वो एन जॉब थ्री मशीन का जो पोर्शन है वो पूरा हो गया। आपको मैंने दो न्यूमेरिकल कराए हैं, इसके अंदर सारे न्यूमेरिकल कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए ऐसी ही होंगी। टोटल इलेफ टाइम निकलवा सकता है, आइडियल टाइम निकलवा सकता है, वेटिंग टाइम निकलवा सकता है और ऑप्टिमल सीक्वेंस निकलवा सकता है। वो सब हमने आपको बता दिया कि किस किस तरह से करना है। तीन स्टेप है। सबसे पहले जो ये कंडीशन है इसे वेरीफाई करेंगे। इस कंडीशन को वेरीफाई करने के बाद क्या करेंगे, जो आपकी एन जॉब थ्री मशीन की प्रॉब्लम है उसे एन जॉब टू मशीन में कन्वर्ट करेंगे और उससे ऑप्टिमल सीक्वेंस बना लेंगे। इस टेबल का काम सिर्फ क्या रहेगा, ऑप्टिमल सीक्वेंस को बनाना, और उस ऑप्टिमल सीक्वेंस का यूज करते हुए फिर वही टेबल बनाएंगे पूरी की पूरी इन और आउट वाली, कि किस मशीन से किस समय इन हुआ किस समय आउट हुआ। और इसी टेबल से फिर हम क्या बनाएंगे, टोटल इलैप्स टाइम निकालेंगे, आइडियल टाइम निकालेंगे और वेटेड टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जो ओआर पढ़ना चाहते हैं आप उन्हें उनसे शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।